आप देख रहे हैं भारत की रफ्तार 24। तीर्थ नगरी ब्रिजघाट में नहीं रुका भिखारियों का आतंक। जहां एक तरफ जिलाधिकारी के आदेश अनुसार आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर आने वाले शिव भक्तों के लिए शासन प्रशासन द्वारा तीर्थ नगरी ब्रिजघाट पर किसी भी शिव भक्त व श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, उसके लिए पूर्ण तैयारी के साथ जिले में समस्त जगह व तीर्थ नगरी ब्रिजघाट गंगा किनारे प्रशासन की ड्यूटी तैनात की गई है। दिन रविवार को एक फरीदाबाद निवासी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने आया था। गंगा किनारे भिखारियों का आतंक नहीं रुक रहा है। दो भीख मांगने वाले बच्चे उनके पास उनकी पूजा करने वाली लड्डू गोपाल की मूर्ति को चुरा कर भागने लगे। तभी श्रद्धालुओं ने शोर मचा दिया, जिसमें मौके पर ही लोगों ने एक को पकड़ लिया। श्रद्धालुओं ने उस लड़के से काफी प्रयास करा कि वह मूर्ति वापस कर दे, लेकिन उनके लाख कहने के बाद भी उस लड़के ने मूर्ति का जिक्र तक नहीं करा। और आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल की मूर्ति में कितनी है आस्था की, किस प्रकार से मूर्ति चुरा कर ले जाने के बाद महिला सिस्क सिस्क कर रोती हुई नजर आए। लाख प्रयास करने के बाद जब मूर्ति वापस नहीं करी तो नजदीकी लोगों ने श्रद्धालुओं को पुलिस चौकी के लिए भेज दिया और श्रद्धालुओं ने लड़के को पुलिस को सौंप दिया। देखने वाली बात यह है कि आने वाले शिव भक्तों के लिए स्नान करने के बाद यदि इस प्रकार की कोई घटना हादसा हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर कब रुकेगा इन भिखारियों का आतंक? संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हम पैसा दे देंगे, पुलिस तक आकेंगे, तुम मंगवा लो। तू चिंता मत, इधर कड़ियां लाने दे क्या रही है वो। इतने सारे खड़े, तुम चले जाओ। तुम्हें यहाँ की इतनी हमदर्दी, तुम मंगवा। मूर्ति तू ले गया चुरा के? कौन ले गया? मुझे दिखाई। किसने दिखाई? मोटे मोटे लड़के ने। यही ले गया यार। तेरे साथ का लड़का वो? हाँ, मुझे दिखाई उसने।